इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मोबाइल गुरु चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आपसे सिम स्लॉट के बारे में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आपको बेल आइकन दिखाई देगा उसको भी दबा दीजिए। उससे क्या हुआ, जब भी मैं कोई मोबाइल से संबंधित नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, हमें 4G सेट है तो 4G स्लॉट जो होता है वो नंबर 1 होता है, एक नंबर का स्लॉट होता है वो ज़्यादातर 4G होता है और दूसरे नंबर का 3G होता है। अगर 3G सेट होता है हमारा तो सिम स्लॉट 1 होता है जो 3G होता है और सिम स्लॉट 2 होता है वो 2G होता है। तो इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि अपना सिम कार्ड अपने सिम स्लॉट 1 में डालें। लेकिन जैसे मान के चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको तो शुरू से दिखाता हूँ आपको। जैसे सेटिंग में जाइए आप, और सेटिंग में जाने के बाद मोर पे जाइए, ठीक है, और मोर पे जाने के बाद में नेटवर्क पे जाइए आप। तो देखिए यहाँ नेटवर्क सिलेक्शन मोड है, इसमें देखिए यहाँ बता रहा है LTE WCDMA GSM, यानी ये सिम स्लॉट जो 1 है मेरा ये 4G है, ये सिम स्लॉट 1 है ये 4G है। लेकिन इधर जिसमें एयरटेल का सिम पड़ा हुआ है, ये सिम स्लॉट 2 है जिसमें वोडाफोन का है, ये 3G है। लेकिन अगर जियो का सिम डालते हैं हम तो सिम स्लॉट 1 में ही काम करेगा, 2 में नहीं करेगा। 2 में क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो सिम स्लॉट 2 है वो 3G है और सिम स्लॉट 1 है वो 4G है। अब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें अपना सिम कार्ड जो है जियो का या कोई भी 4G सिम कार्ड है वो सिम स्लॉट 2 में यूज़ करना है, तो 2 में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारा तो जो सिम स्लॉट 1 है वो 4G है, 2 जो सिम स्लॉट है वो तो हमारा 3G है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे मान के चलिए कभी हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें सिम स्लॉट 2 में जियो का सिम चलाना पड़ा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, बैक जाइए और यहाँ पे सिम कार्ड है इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब नीचे देखिए आपको सेलेक्ट प्राइमरी कार्ड, यहाँ पे प्राइमरी कार्ड एयरटेल हो रहा है और एयरटेल मेरा सिम है वो सिम स्लॉट में पड़ा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एयरटेल का सिम स्लॉट में 1 में है और सिम स्लॉट 2 में जो है वो वोडाफोन का है और एयरटेल का सिम स्लॉट 1 में है। तो जो सिम स्लॉट 1 है वो मेरा 4G है और ये सिम स्लॉट 2 है वो 3G है। लेकिन अगर मैं जियो का सिम स्लॉट 2 में चलाना चाहूँ तो वो कैसे चलाऊँगा, तो नीचे देखिए ये लिखा हुआ है सेलेक्ट प्राइमरी कार्ड, तो इस पर क्लिक कीजिए आप, ठीक है। तो इसमें सिम 2 का जो स्लॉट है वोडाफोन वाला वो मैं इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ और उसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद में क्या होगा, आपकी जो सिम है उनके थोड़ी देर के लिए नेटवर्क चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए जाएंगे बस। अब देखिए ये प्राइमरी सिम जो है वोडाफोन हो चुका है, पहले यहाँ एयरटेल था अब यहाँ वोडाफोन शो कर रहा है, ठीक है। और हमारे नेटवर्क भी अभी देखिए एक में तो आ चुके हैं, अभी आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा सिम स्लॉट जो 2 था वो 4G हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर से हम नेटवर्क में जाएंगे, मोर में जाएंगे, मोर में से आ जाएंगे सेलुलर नेटवर्क, और यहाँ देखिए ये एयरटेल का है जो सिम स्लॉट 1 है, अभी ये 4G शो करा रहा था यहाँ, और ये सिम स्लॉट 2 है जिसमें वोडाफोन का है। अब यहाँ देखिए अब ये 4G हो गया, अब ये सिम स्लॉट 1 मेरा 3G हो गया और ये 2 वाला 4G हो गया। तो इस तरह से क्या है, आप जो है किसी भी स्लॉट में अगर आपका एक सिम स्लॉट 4G है तो आप दोनों में से किसी में भी अपना 4G सिम चला सकते हैं। तो पहले मेरा अभी एयरटेल का था, यहाँ 4G शो करा रहा था, देखिए अब यहाँ नहीं करा रहा है क्योंकि अब ये 3G स्लॉट बन चुका है, इसमें जियो का सिम काम नहीं करेगा। अब ये जो सिम स्लॉट 2 था अब ये 4G हो गया, अब इसमें काम करेगा, इसमें नहीं करेगा।
तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि सिम स्लॉट टू में आपको सिम चलाना है जियो का या कोई भी 4G, तो आप इस तरह से अपना और जो है चेंज कर सकते हैं नेटवर्क। तो ये वीडियो आज का कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।